मेरा नाम संतोष है। बचपन से ही मैं शांत और शर्मीले स्वभाव का हूँ। मेरे इसी स्वभाव के कारण मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। लेकिन मेरी यही आदत मुझ पर इतनी भारी पड़ेगी ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अकेले अकेले बोर होने की वजह से मैंने टाइम पास करने के लिए मैली विद्या की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उन किताबों में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे, जैसे कि वशीकरण करना, किसी को बुखार चढ़ाना, उल्टियां कराना और लोगों के बीच झगड़े कराना। ऐसे ही कई टोटके करने के मंत्र उन किताबों में बताए गए थे। पहले तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है, लेकिन जब मैंने इनमें से कुछ मंत्रों को खुद पर इस्तेमाल किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो वाकई में असरदार हैं। मैं दिन में 8-8 घंटों तक भूत प्रेत, पिशाच, डायन, काली विद्या और मैली विद्या से जुड़ी किताबें पढ़ने लगा। 2 महीने की छुट्टियां मैंने इसी काम में बिता दी। मेरा स्कूल खुल गया और मैंने अपने क्लासमेट्स पर भी इस विद्या को आजमाना शुरू कर दिया। अब जो भी टीचर मुझे डांटता उसकी खैर नहीं होती थी। पूरे एक दिन मैं उसका माथा दुखा देता। जिन दोस्तों पर गुस्सा आता मैं उन्हें क्लास में ही खून की उल्टी करा देता। दोस्तों पर तो छोड़ो, मैंने अपने पापा पर भी इस विद्या को एक बार आजमा कर देखा, जिसके प्रभाव में आकर वे मुझे पैसे देने से कभी मना नहीं कर पाते थे। मैंने घोर साधना करने वाले तांत्रिकों को संपर्क किया। उन लोगों को अपनी तंत्र मंत्र वाली शक्तियां दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर मैं भूत प्रेत की साधना करूं तो मैं और भी शक्तियां पा सकता हूं। इसके लिए मैं फौरन तैयार हो गया और उन लोगों ने मुझे भूतों को बुलाने वाले कुछ मंत्र दिए। साधना शुरू करने के तीसरे ही दिन मेरे घर में कुछ भयानक आत्माएं घुसने लगी और मेरे मंत्रों पर जैसे गुलामों की तरह नाचने लगी। मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को मैली विद्या के जरिए प्रेत से टकरा दिया, क्योंकि वह लड़की कभी भी मुझे भाव नहीं देती थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी यह नादानी मुझ पर बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रेत मेरे बुलाने से तो आ गया लेकिन वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह प्रेत उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुका था, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह लड़की दिन ब दिन पागल सी होने लगी। रात को जोर जोर से चिल्लाती और उसकी भयानक चीखें मेरी रातों की नींद हराम कर देती थी। अब मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं क्या, किससे मदद मांगूं जिससे उस लड़की की हालत ठीक हो सके। फिर मुझे ख्याल आया कि उन अघोरियों से मदद मांगता हूं, शायद उनसे कोई मदद मिल जाए। लेकिन उन अघोरियों ने जो कहा वह सुनकर मेरी सांसें अटक गईं और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल तो जरूर निकल सकता है, लेकिन वो प्रेत उस लड़की का मांस और खून चख चुका है। वो प्रेत अब छाया नहीं रहा, इसलिए उसे निकाल कर किसी और के शरीर में जगह देनी होगी और वो तुम या तुम्हारे घर का कोई सदस्य ही हो सकता है, क्योंकि प्रेत बहुत जिद्दी होते हैं और अपना मनपसंद शरीर सिर्फ तभी छोड़ते हैं जब उसे भेजने वाला या जब उसका कोई सगा अपने ही शरीर में उसे जगह दे। उस अघोरी ने यह भी कहा कि वो लड़की प्रेत के चंगुल में थोड़े ही देर जिंदा रहेगी और मरने के बाद वो भी प्रेत बन जाएगी और तुम्हारे शरीर में रहने और तुम्हारा मांस खाने और खून पीने का उसे पूरा हक होगा, क्योंकि तुमने उस पर प्रेत छोड़ा था। मेरे पाप अब मुझे इस कदर डरा रहे थे कि मैं पागल सा होने लगा। मैंने फैसला किया कि उस प्रेत को मैं अपने ऊपर लूंगा। इस काम में उन अघोरियों ने मेरी मदद की। वे लोग उस लड़की के घर गए और उस लड़की को उस प्रेत के चंगुल से आजाद कराया। वह लड़की तो बच गई, लेकिन अब सजा भुगतने की बारी मेरी थी। आज मैं अकेला हूँ लेकिन अक्सर बीमार रहता हूँ। पढ़ाई छूट चुकी है और खुद से नफरत हो चुकी है। वो प्रेत मेरे अंदर ही रहता है और ये बात मुझे अंदर ही अंदर से खाई जाती है। पता नहीं कब वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दे। उन अघोरियों ने कहा कि इस वक्त मेरा मनोबल मजबूत है, इसलिए वो प्रेत अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, लेकिन वो मेरा मांस खाकर और मेरा खून पीकर धीरे धीरे ताकतवर होगा और फिर मेरे कमजोर होने पर वह तांडव मचाना शुरू करेगा। जब मैंने उन अघोरियों से पूछा कि उस प्रेत से बचने का कोई उपाय नहीं, यानी कि उसे किसी और इंसान पर छोड़े बिना दूर करना मुमकिन नहीं होगा, तो उन अघोरियों ने कहा, ये तेरे कर्मों की सजा है जिसे तू भुगत रहा है। जब तक तेरे पापों की भरपाई नहीं होगी तब तक तुझे इस बला से कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तू और गहरे पापों के दलदल में उतरना चाहता है तो अपने किसी परिवार के सदस्य को चुन ले
जिस पर तू उस भयानक प्रेत को छोड़ सके। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अच्छाई के रास्ते पर ही चलूंगा और खुद ही अपने पापों की सजा भुगतूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। बस दिन ब दिन मेरी हालत खराब होती जा रही है। आप लोग भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं।